अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बनाएंगे वाइट सॉस चिकन, और वो भी घर की बनी हुई क्रीम से, और ये फटाफट बन जाती है और बहुत ही खाने में टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इधर 800 ग्राम चिकन लिया है और धो के अच्छे से उसका पानी सोख लिया है। अभी मैरिनेट करेंगे। इसमें एक बड़ा टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, दो बड़े टेबलस्पून ताज़ा दही, और स्वाद अनुसार नमक। मैंने इधर एक टीस्पून नमक डाला है, आधा टीस्पून काली मिरी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने दो छोटे प्याज लिए हैं, उसको पीस लिए हैं, और 10 से 12 काजू लिए हैं और इसको भी पीस लेंगे। तो चलिए, हमारा चिकन भी आधा घंटा मैरिनेट अच्छे से हो गया है। अभी हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। आप उसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। बटर गरम होने के बाद में मैरिनेट किए हुए सारे चिकन के पीस हम डाल देंगे और थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक उसको फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट के लिए हमारी सारी चिकन मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि हमारी चिकन जल ना जाए, और एक एक करके हम पलटते रहेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हमारी चिकन को और हमारी चिकन अच्छे से रोस्ट हो गई है। बस इसी टाइम पे हम निकाल के एक एक करके रख देंगे साइड में। चलिए वाइट सॉस बनाएंगे। उसमें एक टीस्पून जितना बटर लेंगे। बटर अच्छे से गरम होने के बाद में 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। दो मिनट को मैदे को अच्छे से बटर में मिक्स करके भून लेंगे। मैदे को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें 1 कप भर के दूध डालेंगे। दूध गरम नहीं होना चाहिए, दूध ठंडा ही होना चाहिए रूम टेम्परेचर का, और अच्छे से उसको मिक्स करते रहेंगे ताकि उसमें गुठलियाँ ना पड़े। दूध डालने के बाद गैस को हम स्लो ही रखेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, और आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। ये देखिए, हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। बीच में से आप एक लाइन लगा के देखिएगा, इस तरह से अगर लाइन है तो बस परफेक्ट है हमारी क्रीम। इसी टाइम पे हम गैस को बंद कर देंगे। अभी जिसमें हमने चिकन फ्राई करी थी वही पैन में वही बटर में हम हमारा पीसा हुआ प्याज डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको ज़्यादा बटर डालना है इस टाइम पे तो आप डाल सकते हैं, मैंने वही बटर यूज़ किया है। प्याज को 2-3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद में हम हमारा बनाया हुआ सारा क्रीम इसमें डाल देंगे। क्रीम डालने के टाइम पे गैस को स्लो कर देंगे और सारी क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस एक उबाल आने के बाद में हमारा पीसा हुआ जो काजू का पेस्ट था वो डाल देंगे। काजू का पेस्ट ऑप्शनल में है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, सिर्फ क्रीम में भी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है चिकन। क्रीम में से हल्का सा उबाल आने लगे तो बस सारी चिकनों को हम डाल देंगे एक एक करके। चिकन को अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और गैस को हम स्लो ही रखेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद में उसको ढक के 2 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे भी हमें गैस लो ही रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स हमेशा मुझे भेजिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, 2 मिनट हो गया है और सारा बटर भी हमारा ऊपर आने लग गया है। बस इसी टाइम पे हम गैस को बंद कर देंगे। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। बच्चे तो इसको उंगली चाट चाट के खाएंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।